तो स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी GDS की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है और उसमें अभी जो ट्रेनिंग वाला फेज़ है वो चल रहा है। यहाँ पर हमने आपको वीडियो बना करके बता दिया था कि जो फर्स्ट डे की ट्रेनिंग हुई थी उसमें हमें क्या सिखाया गया था। यहाँ मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि जो सेकंड डे की ट्रेनिंग थी उसमें क्या क्या सिखाया गया था। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसे वो भी वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल GDS खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल ऑल ऑप्शन भी जरूर से सेलेक्ट कर ले ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे जितने भी वीडियोज़ होते हैं उनकी जो भी जानकारी वो सबसे पहले मिल जाए। अब मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि जो हमारी सेकंड डे की ट्रेनिंग हुई थी वो क्या थी। टोटल 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है। पहले दिन की ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, उसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। सेकंड डे की ट्रेनिंग में यहाँ पर हमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट होता है उसको भरा जाता है। तो यहाँ पर आप मेरे जो स्क्रीन है उस पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जो BO होता है उसका नाम लिखना होगा, आपका जो सब ऑफिस होगा उसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो भी ट्रेनिंग करेगा उसको यहाँ वहाँ पर अच्छे से सिखाया जाएगा, आप यहाँ से भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब यहाँ पर जो आपको ये रिसिप्ट प्राप्तियाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें आपको सबसे पहले जैसे कि पिछले लेन देन की तारीख है तो वो तारीख लिखनी है, उसके बाद पिछले लेन देन का बकाया कितना रहा है वो लिखना है, जैसे 820 रुपये है। साथ ही साथ अगर किसी ने डाक वस्तुओं के अदद शुल्क वस्तुओं से वसूल किया गया डाक राजस्व अगर हो तो वो आपको लिखना है। लेखा डाकघर से अगर आपने कुछ नकदी प्राप्त की है वो लिखनी है। आपको अगर कोई मनी ऑर्डर जारी किए गए तो वो लिखने हैं। आपको जो CTD या RD की कोई अगर पैसे किसी ने जमा किए हैं तो वो लिखना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस कॉलम में होगा। साथ ही साथ जो पेमेंट है उस वाले कॉलम में यदि आपने किसी को पेमेंट की, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लेखा डाकघर को भेजी गई नकदी, भुगतान किए गए मनी ऑर्डर या अन्य भुगतान, तो इस तरीके से अगर कुछ है तो आपको वो यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपके पास जो रिसिप्ट है और जो पेमेंट्स है उनमें से जो रिसिप्ट है उनमें से पेमेंट्स को माइनस करके जो अमाउंट बच जाता है उसको इस तरीके से लिखना होगा। कैश जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर 1320, पोस्टेज नील, और फिर ये टोटल कर देना। ये हो गया इस फ्रंट पेज का काम। अब आपको सेकंड पेज पर आना है। जो तो अब आपको यहाँ पर ये जो सेकंड पेज है ये दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको जो सेकंड पेज पे जो जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मनी ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ जानकारी आए तो आपको वो यहाँ पर भरनी होती है। जैसे देखिए, हमने जैसे आपको फर्स्ट पेज पे बताया था वहाँ हमने कुछ डिटेल्स लिखी थी, तो वो सारी यानी कि जैसे जो भी लेन देन हुआ उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि फर्स्ट लेन देन अगर किसी सेविंग बैंक अकाउंट से हुआ है तो उसके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, कितने अमाउंट का होगा, और फिर आपको लिखना होगा कि जमा कर जमा पर्ची भेजी। साथ ही साथ अगर RD अकाउंट से हुआ तो अकाउंट नंबर कितने पैसे का हुआ, फिर ये लिखना होगा जमा कर जमा पर्ची भेजी। ऐसे अगर किसी ने अकाउंट में विड्रॉ किया है तो आपको विड्रॉल की जो राशि वो लिखनी होगी, फिर लिखना होगा निकासी कर विड्रॉल फॉर्म भेजा। इस तरीके से ये सब करने के बाद शाखा जो पोस्टमास्टर होता है BPO होता है उसके यहाँ पर साइन होते हैं। ये सारे साइन होने के बाद आपको ये वाला जो पेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो ये फर्स्ट पेज है शाखा डाकघर की तारीख मोहर डेट स्टाम्प ऑफ ब्रांच ऑफिस जो है उस पर आपको आपकी जो सील है वो लगानी होगी। तो ये था पूरा प्रोसीजर, ये था सारा जो भी टीचिंग्स थी ये हमको यहाँ पर जो सेकंड डे की ट्रेनिंग हुई थी उसमें सिखाया गया था। अब जो थर्ड डे की ट्रेनिंग है उसमें हमें क्या क्या सिखाएंगे वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, इसी तरीके से और भी जो GDS खबर की जानकारी है उनको प्राप्त करने के लिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।